अमजद भाई, तो कस्टमर की गाड़ी है तो इसमें ध्यान देना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनवर एएसपी पे। आपको ये पता ही है कि मैं बोलेरो पिकअप रिस्टोर और मॉडिफाइड करता हूँ, लेकिन आज आपको कुछ अलग दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे वर्कशॉप में पूरे दिन क्या क्या होता है और क्या मैं काम करता हूँ और क्या नहीं, ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। वीडियो पे पूरा देखना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसी वीडियो कोई जल्दी से नहीं बनाता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपके लिए मैं अच्छा और एक व्लॉग लेके आऊँ, तो ये पहला व्लॉग है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अभी शायद बज रहे हैं 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे में मैं अपनी वर्कशॉप पर आ चुका हूँ और देखते हैं कि क्या काम आज करना है और क्या नहीं करना। पूरे दिन का जर्नी आपको जरूर दिखाऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं भाई। आते ही पहले हमने चाय मंगाई है और चाय पी रहे हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेंड आ चुके हैं और हमारे पीछे जो बैठे हैं वो हमारे पास अभी काम कर रहे हैं, तो अभी पीते हैं चाय। तो फिलहाल हमने चाय वगैरह पी ली है, अभी आपको मैं दिखाऊं ये सामने जो केबिन पड़ा है। इस गाड़ी को हम पूरा कलर कर रहे हैं और ये जो कलर है ये आसपा कलर, मतलब कि जो प्यू से जो नीचा कलर आता है वो कलर इस गाड़ी पे हम लगाने वाले हैं। और अभी हम इस गाड़ी जो पीछे का जो बॉडी है वो हमने फाइनल कलर लगा दिया है और आगे का जो केबिन है उसको हम फाइनल कलर लगाने वाले हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो पुट्टी वगैरह के धब्बे वगैरह है उसको पहले कवरिंग करना पड़ता है। तो पहले इस केबिन पे पूरा हमने सरफेसर लगाएंगे, सरफेसर लगाने के बाद इसको पूरा कलर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस गाड़ी का काम और दिखाते हैं आपको सरफेसर किस तरह से लगेगा वो सब कुछ। तो तो फिलहाल दोस्तों हमने सरफेसर है वो लगा दिया है गाड़ी पे और वो अभी सूखेगा, इसके बाद घिसाई होगी, घिसाई के बाद इस पर हम फाइनल कोट करेंगे। और ये जो आपको मैंने प्रोसेस दिखाया ये फिटिंग के साथ गाड़ी पड़ी थी और एक हमारे पास जो पीछे गाड़ी पड़ी है उसको हमने पूरा अच्छी तरह से पेंट करना है, मतलब कि प्यू कलर करना है। और इसकी अलग अलग वीडियो भी यूट्यूब पर आएगी तो आपको वो भी दिखाएंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो पीछे आपको गाड़ी दिख रहा है एक्स्ट्रा लॉन्ग 1.7 2018 का मॉडल है, इसको हम बॉडी काम में छोड़ने जाएंगे। तो चलो गाड़ी अभी आ गई है अमजद भाई के पास और एक हमारे पास जो गाड़ी पड़ा है आपको मैं दिखाऊं सामने, जो अमजद भाई अभी काम कर रहे हैं। ये रे अमजद भाई अभी हमारी गाड़ी में काम कर रहे हैं, देख लो। ये जो गाड़ी आपको दिख रही है ये मुंद्रा कच्छ से हमारे पास आई है और ये गाड़ी का पूरा केबिन है पूरा रिस्टोर मॉडिफाइड हो रहा है और अभी अमजद भाई है जो काम कर रहे हैं। और दूसरी गाड़ी हमने एक्स्ट्रा लॉन्ग भी रखी है वो भी अमजद भाई काम करेंगे, तो आगे आपको दिखाएंगे और आज की जर्नी कैसी है वो भी आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल इस गाड़ी की अलग अलग वीडियो यूट्यूब पर आती रहेगी, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और एक्स्ट्रा लॉन्ग जो 1.7 है 2018 का मॉडल उसकी भी अलग अलग वीडियो आएगी, तो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो।
अमजद भाई अभी गाड़ी को देख रहे हैं, उसको मैं बता रहा हूँ कि भाई इस तरह से काम करना है। आगे देख लो अमजद भाई, पूरा देख लो भाई काम, और अच्छा और बढ़िया काम करना है इस गाड़ी में भी। और इस गाड़ी की आपको मैंने बताया कि अलग अलग वीडियो आएगी यूट्यूब पे, तो हमारे अमजद भाई सामने पड़े हैं और अभी देख रहे हैं इस गाड़ी में जो आपका बॉडी काम है वो। अभी इसको मैं बता रहा हूँ कि भाई इस तरह से इस गाड़ी में बॉडी काम करना है और अच्छा करना है। अभी हम अमजद भाई के पास आए हैं और अमजद भाई ने चाय वगैरह मंगाई है, तो अभी चाय पीते हैं। ये रहा और दूसरा गाड़ी सामने पड़ा है, दोनों गाड़ी का बॉडी काम होगा। और ये अमजद भाई के पापा हैं, अमजद भाई के पापा मैकेनिकल काम करते हैं जो बोलेरो पिकअप में आता है, और 40 साल से ये काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये अमजद भाई के पापा हैं और सामने अमजद भाई काम कर रहे हैं, देख लो। तो चलो अब चलते हैं हमारे वर्कशॉप पे। बॉडी काम में गाड़ी हम छोड़ के आए, इसके बाद इस गाड़ी में हमने नीचे आप देख रहे हो ये पुट्टी वगैरह हमने भरी हुई है, पीछे गुजरात वाला बॉडी बना हुआ है, ये बॉडी 5 साल पुराना है, इसको फिर से हम पेंट करेंगे और पूरी अच्छी तरह से इसका काम होगा। आगे देख लो गाड़ी में पुट्टी वगैरह भरी चुकी है, यहाँ पर भी पुट्टी हमने अभी भर दी। पीछे जो हमारे इरफान भाई वो घिस रहे हैं, तो ये कुछ था इसके साथ आपको बताऊँ तो और क्या काम चालू है देखा हूँ आपको। तो इस गाड़ी में अभी पुट्टी का काम चालू है, इसी के साथ यहाँ पर और एक गाड़ी पड़ी है जो हमारे पास पेंट के लिए आई हुई है ओनली फॉर, तो इस गाड़ी का भी काम चालू है, घिसाई वगैरह चालू है, देख सकते हो आप पूरा घिसाई। और यहाँ पर जो आपको मैंने सुबह बताया था कि इस गाड़ी में हमने पॉइंट वगैरह अभी भर दिया है, अभी इस पर घिसाई होगी, घिसाई होने के बाद इस पर कलर होगा। पीछे का बॉडी हमने फाइनली पूरा कंप्लीट कलर कर दिया, इसमें डिज़ाइन वगैरह बाकी है, मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ऐसी डिज़ाइन इस गाड़ी में आएगी। तो फिलहाल अभी 2 बजे हम गए घर पे, घर पे खाना खाया, खाना खाने के बाद 3 बजे वापस से हमारे शॉप पे आए, मतलब कि 1 घंटा हमारी शॉप बंद रहती है। इसके बाद जो आपको सुबह मैंने गाड़ी बताई थी जो सरपेसर वगैरह लगा थी, तो उसकी अभी घिसाई वगैरह चालू है, ये घिसाई सब हो जाएगी इसके बाद इस पर। अभी अगर मौसम अगर अच्छा रहा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मौसम अच्छा रहा तो उस पर फाइनल कलर भी लग जाएगा। इसके लिए अभी हम जाएंगे समझ लो कि गाड़ी का जो केबिन का कलर है वो कलर लेने के लिए, तो दिखाते हैं कि कलर कहाँ पर मिलता है और कहाँ से हम कलर लेते हैं। सुबह भी हम अमजद भाई के पास आए थे, अभी हम कलर लेने के लिए जा रहे थे, बीच में अमजद भाई का शॉप आया तो फिर से इसके पास आए और ये गाड़ी हमारे पास अभी आई हुई है। तो कस्टमर की पूरी सर्विस के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए हम आते रहते हैं, कैसा काम करते हैं अमजद भाई इसीलिए। और यहाँ पर देख सकते हो एक फेंडर लग चुका है, वो तो सुबह लगा था लेकिन अभी दूसरा फेंडर है वो अभी लगा रहे हैं अमजद भाई। तो कस्टमर की गाड़ी है तो इसमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं और सुबह हम आए थे तो अभी काम हुआ था, अभी फेंडर वगैरह भी लग चुका है, तो अभी चलते हैं कलर लेने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं कलर की शॉप पे, जहाँ से मैं कलर वगैरह लेता हूँ, ये सब पड़ा है माल, वो भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या कलर कौन से कलर रखते हैं। और ये हमारे साहिद भाई है, ये कलर वगैरह बनाते हैं, काफ़ी नॉलेज है इसको कलर बनाने में।
चुका है और देख लो पूरा कलर, और ये शाइनिंग वगैरह भी आप देख सकते हो कैसा कलर लग रहा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये अच्छी ब्रांड का कलर नहीं है, हल्का है, लेकिन 5-6 साल तक इसको भी कुछ नहीं हो सकता है अगर आप अच्छी तरह से केयर करोगे। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, ये देख लो इस गाड़ी में लाइटें वगैरह लगी है, पहले से लगी चुकी, हमने नहीं निकाली है क्योंकि अगर कस्टमर को ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और डायरेक्ट कलर करना है तो वो भी हो सकता है, लेकिन अच्छा काम करना है तो हम वगैरह जो लाइटें वगैरह भी खोलते हैं और ये मदगार्ड वगैरह भी निकालते हैं, पूरी अच्छी तरह से साफ़ सफाई के साथ काम होता है। आपको मैं अंदर से बताऊं तो ये हुड वगैरह भी हम निकालते हैं, सामने गत्ते लगे हुए हैं वो ख़राब हो चुके हैं तो वो दूसरे आएंगे, लेकिन अगर अच्छा काम करना है तो आपको सब कुछ निकाल के भी हम काम कर सकते हैं। और ये जो काम है ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं करने था, कस्टमर है वो ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले थे, इसीलिए इसी तरह से कलर करवाया है। अगर आपको कुछ काम अच्छा करवाना है तो ये सब फिटिंग है वो खोलने के साथ ही काम करवाए ताकि आपका काम अच्छा हो। इसका जो बोनट है यहाँ पर पड़ा है और शाइनिंग वगैरह आप देख सकते हो। तो ये कुछ था आज का दिन दोस्तों, ये थी हमारी पूरे दिन की जर्नी, कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी बज रहे हैं 7 और शाम के 7 बज रहे हैं, सुबह 10:30 बजे में आया था और 7 बजे तक हमारा वर्कशॉप पूरा चालू रहा। पूरे दिन आपको मैंने बताया कि किस तरह से हमने काम किया, ये सब कुछ आपको मैंने डिटेल में दिखाया। तो अभी 7 बज रहे हैं और हमारा वर्कशॉप 7 बजे बंद हो जाता है और कल बकरीद है इसीलिए हम ईद की तैयारी में और अभी जा रहेंगे घर पे, और 2 दिन हमारा गैरेज बंद रहेगा और बकरीद के बाद हम वर्कशॉप वापस से चालू करेंगे, तब सब दूसरी गाड़ी है उसमें काम होगा, उसकी भी अलग वीडियो आएगी। अगर आपको बोलेरो पिकअप रीस्टोर मॉडिफाइड करनी है तो डिस्प्ले पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर दिए गए हैं। आपको पता ही है कि हम बोलेरो पिकअप रीस्टोर और मॉडिफाइड करते रहते हैं। तो ये कुछ आज का दिन मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम पूरा काम करते हैं और किस तरह से हमारे वर्कशॉप में काम होता है, जितना हो सका उतना मैंने आपको मैंने बताया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और लोगों को पता चले कि हमारे वर्कशॉप में पूरे दिन किस तरह से काम होता है। और आपको एक बात बताओ, अगर आपको ऐसे व्लॉग चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, तो मैं हर अलग अलग टाइप का व्लॉग इस चैनल पे डालता रहूँगा। तो दोस्तों यही कुछ था आज का दिन, वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।